हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज एक और शॉपिंग हॉल लेके आई हूँ, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कुछ रैंडम फाइंड्स हैं अमेजोन से जो मैंने मंगाए हैं। कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट हैं, साथ में थोड़े बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट भी हैं। मतलब ये रैंडमली मैंने पिक किए हैं एक एक चीज़ें, जो जो मुझे पसंद आती रही, जिनकी मुझे ज़रूरत है, मैंने सोचा कि वह मंगाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। अगर आपको भी इन प्रोडक्ट्स में से किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि विंटर से रिलेटेड है थोड़े बहुत प्रोडक्ट, तो आप भी वो मंगा सकते हैं। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। और वीडियो ज़रा सा भी अगर हेल्पफुल लग रहा है, पसंद आ रहा है ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी मेरे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। चलिए अब दिखाती हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने लिए हैं। सबसे पहले आपको विंटर से रिलेटेड ही प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो मैंने मंगाया है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पहले इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ, फिर प्रोडक्ट देखना। तो ये ना कोको सोल की तरफ से मैंने एक बॉडी बटर मंगाया था, इस तरीके की पैकेजिंग में आया था ये। 100% ऑर्गेनिक है ये, और 100% ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल है इसके अंदर, और शिया बटर है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मतलब बहुत ही भीनी भीनी सी नेचुरल सी इसकी फ्रेग्रेंस है, जो बिल्कुल भी चुभती नहीं है। कुछ प्रोडक्ट की, जैसे कुछ बॉडी लोशन वगैरह होते हैं, उनकी ना जो फ्रेग्रेंस होती है बहुत चुभने वाली, तीखी सी होती है, ऐसी नहीं है, बहुत ही नेचुरल सी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा ये है कि ना इसको लगाने के बाद, एक तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है, पिछले 15-20 दिनों से यूज़ कर रही हूँ मैं, और बहुत ही कम ये यूज़ हुआ है। मतलब बहुत थोड़ा सा लगाओ काम हो जाता है। और दूसरा है कि ये देखो कितना कम मैंने इसे यूज़ किया है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा। और दूसरा है कि ना बिल्कुल भी, जैसे कुछ प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हैं तो उससे स्किन ना बहुत ही चिकनी चिकनी सी हो जाती है ना, चिपचिपा सा होता है यूज़ करने के बाद। इसको यूज़ करने के बाद बिल्कुल भी चिपचिपाहट फील नहीं होती है, और बहुत अच्छा लगता है, एकदम ना मॉइस्चराइज्ड हो जाती है आपकी स्किन। तो अगर आपको भी ये लेना है ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मुझे पक्का पता है जब आप इसे यूज़ करेंगे ना, तो आप सच में बोलेंगे कि रजनी ने जो प्रोडक्ट बताया था बहुत अच्छा बताया था, और आप मुझे कमेंट करके थैंक यू भी बोलेंगे। फिर दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी, वो है ये कोकोनट ऑयल बालों में लगाने के लिए। वैसे तो मैं मतलब वीक में एक बार लगाती हूँ, कभी कभी जैसे ज़्यादा हो गया तो 10 दिन में तो एक बार लगा ही लेती हूँ। तो ये कोकोनट ऑयल मैंने मंगाया है, विंटर्स में बस ये प्रॉब्लम होती है, जम जाता है, लेकिन ये भी 100% वर्जिन कोकोनट ऑयल है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसे सिर्फ एक ही बार यूज़ किया अभी तक, लेकिन बहुत ही अच्छा है ये भी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको भी कोकोनट ऑयल की ज़रूरत है, तो आप जो हर बार मंगाते हैं उससे थोड़ा सा हटके इस बार देख लीजिए, और चाहे तो आप ये वाला मंगा सकते हैं। ब्रांड अगर मैं इसकी बताऊँ तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है ये, और इसका नाम ही ऑर्गेनिक हार्वेस्ट है। तो चाहे तो आप भी ये ले सकते हैं। अब इसके बाद आपको दिखाने वाली हूँ आपको हेयर केयर प्रोडक्ट, है ना। तो ये है बायोलाज की तरफ से मैंने मंगाया है ये कंडीशनर। ये भी बहुत अच्छा है, स्मूथ प्रूफ कंडीशनर है ये, बहुत अच्छा स्मूथ कर देता है आपके बालों को। तो ये मैंने एक बार यूज़ किया है। इसका ना बायोलाज का मैंने सीरम भी मंगाया हुआ है, हेयर सीरम, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। मैंने आपको शायद वो सीरम ना बहुत पहले एक वीडियो में दिखाया भी था कि मैंने वो हेयर केयर प्रोडक्ट जो है वो मंगाया है, और वो मैं बहुत यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। और इसी का ही, जब मैं इतनी खुश हुई इस प्रोडक्ट से, तो मैंने सोचा था कि इस बार इसका ये कंडीशनर भी मंगा कर देखती हूँ। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो ट्यूब्स में आते हैं ना कंडीशनर वगैरह, वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी जो इनकी क्वांटिटी होती है अच्छे से, मतलब पूरी की पूरी जो प्रोडक्ट होता है ना, वो अच्छे से यूज़ हो जाता है। आप प्रेस कर करके इसमें से प्रोडक्ट जितना चाहे निकाल सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल अच्छे से नीचे तक ख़त्म हो जाता है। तो पंप वाले जो बॉटल्स होती है ना, उससे ज़्यादा मुझे ये इस तरीके के ट्यूब्स में आए हुए प्रोडक्ट, कंडीशनर वगैरह होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और वैसे भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आपको भी मंगाना है ना इसमें से, चाहे तो आप बायोलाज का ये कंडीशनर मंगा सकते हैं, चाहे तो जो मैं आपको बता रही हूँ सीरम वगैरह आप ढूंढ लेना, आपको आराम से मिल जाएगा, वो भी बहुत अच्छा है, तो वो भी मंगा सकते हैं। तो मुझे ये भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद मैंने मंगाई है ममा अर्थ की ये लिप बाम। तो ये बहुत अच्छी तो नहीं है, मैंने ये वैसे लगाई हुई है फिलहाल, लेकिन इसके लिए, इससे पहले ये क्या है कि ना इस तरीके की है, बीटरूट वाली है ये, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, इसको ना बहुत ज़ोर से इसको प्रेस करना पड़ता है अपने लिप्स पर, फिर जाके ये लगती है। और ना मतलब मॉइस्चराइज्ड तो मुझे कम ही लगते हैं इसे लगाने के बाद लिप्स, लेकिन कलर कुछ ऐसा आता है। तो मैंने पहले अपने लिप्स पर निविया की जो वो ट्यूब वाली लिप बाम आती है वो लगाई है, उसके बाद फिर मैंने ये वाली जो है लिप बाम ये लगाई है। तो लिप बाम का काम ये कम कर रही है।
मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन अगर आपको मंगानी है बीट रूट वाली, आप बहुत ज़्यादा आपके लिप्स ड्राई नहीं होते हैं, हल्के फुल्के से ड्राई रहते हैं, या फिर बस ऐसे ही आपको मॉइस्चराइज रखने के लिए अपने लिप्स पर कोई प्रोडक्ट मंगाना है, तो आप ये मंगा सकते हैं। मेरे तो लिप्स बहुत ड्राई होते हैं, तो मेरे को ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है, लेकिन अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे मंगा सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मामा अर्थ का बीट रूट क्या कहते हैं लिप बाम है ये। एक और चीज़ ये है बेला विटा के ये वाले परफ्यूम्स, ये ना 5 या 4, एक मिनट में देख लेती हूँ, परफ्यूम का सेट है, और ये ना बहुत, एक बार ना इसी ब्रांड का मेरे पास अलग से कोलैबोरेशंस के का वीडियो आया था, लेकिन मैंने किया नहीं था। फिर और बहुत सारे मैंने इन्फ्लुएंसर्स को देखा, सबने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। हाँ, 4 इसके अंदर परफ्यूम्स हैं इस तरीके के, तो आप किसी को अगर गिफ्ट देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। तो उस वक्त तो मैंने इसका प्रमोशन किया नहीं था अलग से, लेकिन फिर जब बहुत सारे मैंने इन्फ्लुएंसर्स को देखा, सब इसकी तारीफ़ कर रहे थे, तो मुझे लगा कि एक बार ज़रूर इसको मंगा कर देखती हूँ, फिर देखती हूँ कि ये कैसा है। तो इसके मतलब सारी ही की सारी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हैं, तीखी तीखी सी नहीं है, बहुत ही भीनी भीनी सी है। एक रोज़ वाली है, एक मतलब थोड़ी सी ऑरेंज वाली है, 2 और हैं, तो ग्लैम वूमन और डेट वूमन करके, तो ये दोनों जो हैं अलग अलग हैं फ्रेग्रेंस, लेकिन सभी की सभी बहुत अच्छी हैं। आप भी इसे मंगा लीजिएगा, चाहे तो गिफ्ट करना चाहते हैं किसी को गिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से, नहीं तो अपने लिए भी मंगा सकते हैं। अलग अलग छोटी छोटी बॉटल्स हैं, ख़त्म भी जल्दी हो जाएंगी, बहुत दिनों तक रखी नहीं रहेंगी, और अलग अलग आप इस तरीके की फ्रेग्रेंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो लेडीज़ वाले थी जो परफ्यूम है, इसमें यूनिसेक्स भी आते हैं, चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं या फिर भाई बहन वगैरह कोई भी अगर चाहे तो उसे यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर आपको भी कम रेंज में छोटी क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट परफ्यूम वगैरह मंगाने हैं, तो इसके तरफ आप एक बार ज़रूर सोच सकते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे आखिर में 5th प्रोडक्ट है ये वाला आई शेडो। इसका पैकेजिंग में जो थी वो पता नहीं मेरे से कहाँ रखा गया वो, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। इसमें अलग अलग कलर्स हैं, मेटेलिक कलर्स हैं सभी, आप चाहें तो कोई और मेटेलिक शेड भी ले सकते हैं, मुझे यही अच्छा लग रहा था। और बहुत अच्छा सा है, काफ़ी पिगमेंटेड भी है ये, एक मिनट आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। और आप कम प्राइस में अगर कोई आई शेडो चाह रहे हैं इस तरीके के, ये 4 के ही उसमें आता है, उसमें और बहुत सारे कलर्स नहीं आ रहे, तो आप भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन शेड्स अलग अलग हैं, और भी दूसरे शेड्स हैं जो अगर आप कोई और लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पिगमेंटेड है, एक ही बारे में लग जाता है, और बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। तो मैं तो क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा कुछ करना आता नहीं है, थोड़ा बहुत ही कर लेती हूँ, तो फिंगर से भी इससे इसे लगा लो तो बहुत आराम से काम चल जाता है। और प्राइस भी इसका ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम प्राइस पर ये मुझे मिल गया था, यहाँ पर तो प्राइस मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी सस्ता है, तो बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये सभी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट भी हो गए, ठीक है, और स्किन केयर प्रोडक्ट भी हो गए, हेयर केयर प्रोडक्ट भी हो गए, तो सब रैंडम फाइंड्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है या आपको ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने ना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।